अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है क्लास सेकंड ईयर, उसका जो है वो चैप्टर नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 9 टू क्वेश्चन नंबर 16 तक जो है वो रीड आउट करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। वेयर डिड चीफ्स डिसाइड फैसला किया टू लीव रैना आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर रिटायरमेंट के बाद चीफ्स डिसाइड फैसला किया टू लीव रहे मिस्टर विकर्स के यहाँ जस्ट अक्रॉस द रोड के पास था फ्रॉम द स्कूल। स्कूल से इट माइट इनेबल हिम टू विजिट द स्कूल, ये इसको इस काबिल बना दिया, यानी कि इस काबिल था कि विजिट करे द स्कूल का वैन एवर ही वॉन्ट, जब वो चाहता था। क्योंकि ये देखें ना, ये एक सड़क है, इधर स्कूल है और इधर उसका घर, तो जारी बात है वो सड़क बूर करेगा तो चला जाएगा। दस ही कुड भी मेरा एट पार्ट हिस्सा स्कूल का एंड टेक पार्ट हिस्सा लिया इन इट्स एक्टिविटी सरगर्मियों में इवन आफ्टर रिटायरमेंट के बाद। हाउ लॉन्ग डिड चिप्स रिमेन रहा एट ब्रोकफील्ड में एंड हाउ डिड ही इंजॉय किया ही स्टे देयर, वहाँ अपना जो है वो रहकर स्टे करके। चिप्स रिमेन रहा एट ब्रोकफील्ड फॉर मोर देन 42 ईयर, 42 साल तक। ड्यूरिंग दिस लॉन्ग पीरियड, इस जो है लंबे पीरियड के दौरान ही इंजॉय किया एवरी मोमेंट, हर लम्हे में को ऑफ हिज स्टे जब वो ठहरा एट ब्रोकफील्ड में। इंडीड वाकई इट हैड बीन हिज लाइफ, ये थी इसकी ज़िंदगी, ही वाल चाहता था एन इंस्टीट्यूशन हिमसेल्फ अपने आप को एक अदारा। एंड ही वॉज नॉट ओनली रिस्पेक्टेड बट आल्सो लव, ही वॉज नॉट ओनली रिस्पेक्टेड, ना थी इज्जत बट आल्सो लव, लेकिन उससे मोहब्बत भी जो की जाती थी, किससे? मिस्टर चिप्स के साथ। व्हेन डिड चिप्स रिसीव लिया हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन, अपनी जो है वो फेयरवेल प्रेजेंटेशन को। एंड व्हाट डिड हिज स्पीच कंटेन, उसकी स्पीच किस पर मुश्तमल थी? चिप्स रिसीव लिया हिज फेयरवेल प्रेजेंटेशन, अपने जो है वो अलविदा तोहफे एट द फाइनल एंड ऑफ टर्म डिनर इन जुलाई 1913 में। ही डिलीवर ए वेरी लॉन्ग स्पीच, ने बड़ी लंबी तकरीर की एट द पार्टी में। ही स्पीच की तकरीर कंटेन मुश्तमल थी मैनी जोक्स, बहुत से मजाक के ऊपर, इन इसमें द पीपल इंजॉय किया इट मच, बहुत ज़्यादा, एंड लव हर्टली, और जो है वो दिलो जान के साथ जो है वो हंसा। वाट वॉज चिप्स स्पीच अबाउट, चिप्स की तकरीर जो है वो किसके मुतालिक थी? चिप्स फिर फेयरवेल स्पीच वाज वेरी यूनिक, बेमिसाल थी एंड इम्प्रेसिव, मुतासर करने वाली थी। ही मेंशन किया इन इट काउंटलेस इंसिडेंट, बहुत से जो है वो अनगिनत वाकया दैट टुक प्लेस ऑन द वे ड्यूरिंग हिज लॉन्ग स्टे एट ब्रोकफील्ड में। दीज वार ऑफ ग्रेट इंटरेस्ट, दिलचस्पी के आमद फॉर द लिसनर, सुनने वालों के लिए। एंड दे वार फुली ऑब्जर्व, मुकम्मल तौर पर मगन रहे इन देयर डिस्क्रिप्शन, इसके बयान में, यानी कि इतने इंटरेस्टिंग वाकया थे उसके। वैन एंड वेयर डिड चिप्स गो फॉर रिटायरमेंट के बाद, कब और कहाँ गया? ये क्वेश्चन मैंने पहले आपको जो है वो रीड आउट करवा दिया है, ठीक है, ये वाला जो है वो। हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम, वक्त द्वारा आफ्टर रिटायरमेंट के बाद, आफ्टर हिज रिटायरमेंट के बाद चिप्स स्पेंड ए वेरी बिजी लाइफ, जो है मसरूफ ज़िंदगी गुजारता। ही हैड ऑल द न्यू बॉयज टू टी, वो तमाम नए लड़कों के साथ चाय पीता। ही वॉच देखता ऑल द इम्पोर्टेंस मैच, तमाम अहम जो है वो मैच ऑन द ब्रोकफील्ड ग्राउंड के ग्राउंड में। वंस आर टर्म डाइन विद द हेड एंड वंस विद द मास्टर, ही ऑफन अक्सर वर्ड काम करता फॉर ब्रोकफील्डियन डायरेक्टली। ही रीड न्यूज़पेपर, वो पढ़ता अखबार एंड रोल लिखता आर्टिकल्स फॉर द मैगजीन के लिए। दस इस तरह ही रिमेन रहता बिजी मसरूफ इन वन थिंग और द अदर, किसी न किसी तरीके से। हु वाज मेड द हेड ऑफ ब्रोकफील्ड आफ्टर चिप्स रिटायरमेंट, मिस्टर चिप्स रिटायरमेंट इन 1930 आफ्टर ही रिटायरमेंट, मिस्टर चैटर्स वाज मेड द हेड, मिस्टर जो चैटर्स जो बन गया हेड मास्टर ब्रोकफील्ड का। डिड चिप्स से अबाउट द कैप्टन ऑफ द स्कूल इन द फेयरवेल स्पीच, इस तरह के जो है वो क्वेश्चन बेटा नहीं आते, इसको आप जो है वो ना करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। फ़ी मान अल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।